बेटा पी लो पी लो भाई, 10 रुपए दूंगा पी लो, 20 रुपए दूंगा, 30 दूंगा पी लो। उसने तो पी लिया था, 40 देता हूँ, वो साफ था 40, 50 का नोट। ये क्या हो रहा है बताता हूँ मैं आपको बाद में, अभी आप सिर्फ ये देखते हैं धुआं उड़ रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये गंद है पूरा क्रिकेट, तो यहाँ पर ये आ गया, ये कौन सी रुचि की, ये जमीन पर है, तो ये कौन सी किस्म होगी? जमीनी रुचि, जमीन से जमीनी रुचि। अच्छा बेटा, आपके सर ने बताया तो यकीनन सही बताया होगा, वो पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा समझते हैं। ठीक है बेटा, आइंदा समय भी ये थैले का इस्तेमाल करूंगा और लोगों को भी तकलीफ करूंगा। कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बेटा, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। अब आपने ही मुझे बताना है कि ये हम सबक कौन सा पढ़ने लगे हैं। आपको जो हम अभी सबक से पहले आगाज करेंगे उसी से ही आपको पता लग जाए। आप ये देखिए जरा बेटा, ये देखें मेरे पास ये कुछ, सबको पता है लकड़ियां छोटी छोटी, मैं यहाँ पर फिरा रहा हूँ। अब ये टेबल आपको कैसा लग रहा है? गंदा लग, क्यों गंदा लग रहा है? इसमें गंदगी आ गई, सफाई नहीं है। आप में से कोई भी इस हालत में इस टेबल के पास बैठना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी डाल देता हूँ मिट्टी, अब ये देखो टेबल अब और गंदा हो गया। ठीक है बेटा, तो ये क्यों गंदा हो गया है? आलूदगी की वजह से। आप में से कोई भी यहाँ पर बैठना काम करना पसंद नहीं करेगा, समझ लगी बेटा? अभी मैंने आपको टॉपिक नहीं बताया, अभी ये सिर्फ आप ये देखिए, ये क्या आलूदगी की एक किस्म है जिसकी मैंने बात की। अब दूसरी तरफ है गिलास, शीशे का गिलास है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं बेटा। अब्दुल रहमान आप आओ जरा, इस पानी को पीना, थोड़ा सा पीना बस। शाबाश, इधर ही बैठे रहो। अब अंश आप आ जाओ भाई, उसने ये पानी पिया है ऐसे ही है। अब ये देखो जरा, अब आप ये पानी पी, क्यों ये गंदा पानी? उसने तो पी लिया था। पी लो यार इसे, पी लो बेटा पी लो, पी लो भाई 10 रुपए दूंगा पी लो, पी लो 20 रुपए दूंगा, 30 दूंगा पी लो। उसने तो पी लिया था, 40 देता हूँ, वो साफ था 40, 50 का नोट। अब उसने क्यों पिया था? साफ था। शाबाश, ये देखो बेटा, ये फर्क देख लिया आपने? दो बच्चे थे, एक ने पानी पी लिया, एक ने नहीं पिया, जिसने नहीं करेगा क्यों? वजह इसकी बता सकता है कोई? इसमें लोदगी है, अगर ऐसा पानी पिएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? शाबाश, हम बीमार हो जाएंगे, हमें बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हमने आलूदगी के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, अभी हमने कुछ किया, टेबल को गंदा किया, अभी मैंने दो बच्चों को बुलाया, एक ने पानी पी लिया, एक ने नहीं पिया, और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर धुआं हो रहा था, और उस धुएं में एक बच्चा आया, उसने कहा कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि धुएं की वजह से ये सांस लेने में तंगी आ रही। ये तीन चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई। अब ये देखें, ये आपकी क्लासरूम है, ये क्लासरूम का माहौल है, आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आपने तकरीबन 5-6 घंटे यहाँ पर गुजारते हैं, इसलिए ये चाहिए आपको कि ये क्लासरूम साफ हो ताकि आप 5-6 घंटे बड़ी आसानी से गुजार सकें, यहाँ पर आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, ऐसे ही है। अभी हमने जो काम किया इससे आपको परेशानी पेश है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, इसको हम क्या करते हैं? आलूदगी। ठीक है, आपके माहौल में थी आलूदगी जहाँ पर आप बैठे हैं, तो इसको लिहाजा हम क्या कहेंगे? ये माहौलियाती आलूदगी। दो बातें ध्यान में रखनी है, एक है गैर जरूरी और दूसरा है नुकसानदेह, ये दो बातें अलग हैं। एक चीज गैर जरूरी आपके पास पड़ी हुई है, आपको वो बीमार नहीं कर रही लेकिन अजीब लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है, वहां पर आप घर की सारी चीजें जो इस्तेमाल में नहीं है उसको रख देते हैं,
इसके बावजूद भी आप स्टोर रूम में रहना पसंद नहीं करेंगे। है तो वो साफ है लेकिन जो चीजें पड़ी हैं वो आपके लिए जरूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात है नुकसान पे। अभी मैंने बच्चे को कहा था पानी पी लो, ये पानी अगर वो पी लेता तो उसके लिए नुकसान था, उसने बीमार हो जाना था। ठीक है, ये दो बातें, एक गैर जरूरी है और एक है नुकसान पे। अगर माहौल में ये दोनों चीजें शामिल होंगी तो वो हमारे लिए आलूदगी का बायस बनेगी। समझ लगी बेटा? अब मेरे साथ दोहराई चाहिए, आपकी आवाज है, माहौल में गैर जरूरी और मादों की शमूलियत आपके इर्द गिर्द मौजूद है और आपके लिए या तो वो नुकसानदेह है या आपके लिए वो फायदा कुछ भी नहीं है, उसका पड़ी हुई है वैसे ही बेकार पड़ी हुई है। ठीक है, आपने उसको उठा के चाह रहे हो, आपको मुझे टाइम मिला है इसको उठा के कहीं बैठ जाए। समझ लगी? अब हम आते हैं आलूदगी की अकसाम की जानिब। अब अकसाम आपको मैंने पहले बताया कि हमने यहाँ पर ये था मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर फेंक दिया, ये गंद है पूरा पेट। तो यहाँ पर ये आ गया, ये कौन सी आलूदगी की किस्म, ये जमीन पर है तो ये कौन सी किस्म होगी, जमीनी आलूदगी, जमीन से जमीनी आलूदगी। ठीक है, जमीन से क्या हो जाएगा, जमीनी आलूदगी। और दूसरा मैंने ये पानी का ग्लास लिया जिसको मैंने हंस बेटे को कहा था इसको पानी पियो, उसने कहा था ये पानी गंदा हो गया। तो ये आलूदगी की कौन सी किस्म हो जाएगी, आप ये आलूदगी, शाबाश, आप भी पानी है और आलूदगी आलूदगी है, ये गंदा पानी हो गया। आप मैंने क्या होता है पानी, पानी। आप मैंने क्या होता है पानी, पानी गंदा हुआ पानी की आलूदगी, आप भी आलूदगी। ये पानी इस्तेमाल के लिए काबिले कबूल नहीं है, चाहे आप पीने के लिए ले लो चाहे आप किसी और मकसद के लिए ले लो, ऐसे पानी से आप बर्तन धोना या कपड़े धोना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर मैंने ये मोमबत्ती जलाते हैं, ये देखो बेटा, ये आपने पहले देखा था इससे धुआं निकल रहा है, अगर आप नजदीक आके देखोगे तो ये धुआं अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखूंगा तो इसका धुआं ये जो कप है इसकी ऊपर लग जाएगा साथ। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये देखो ये कप अंदर से आप देख सकते हो सर, मुझे भी चेक कराइए, ये देखो बेटा नजर आ रहा है कप बेटा, अब ये किस वजह से हुआ है, किस अच्छा बस फिजाई रोगी बच्चे ने कहा धुआं, ये धुएं की वजह से फिजाई रोगी हुई। तो ये देख लो, अगर ये कप को ऐसा कर सकता है तो हमें कैसा करेगा अगर हम इस माहौल में सांस लेंगे। ठीक है, कप भी एक किस्म की एक नाली थी, बंद है, अब हम सांस लेते हैं, नाली है, नाली के अंदर वो गैस जाएगी, अब वो हमारे अंदर क्या हालत करेगी इसका अंदाजा इस कप से लगा सकते हैं। ठीक है, सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी, शाबाश। ठीक है बेटा, अगर मैं कुछ देर और इसको जलाता ऐसे ही तो ये पूरे का पूरा कप क्या हो जाना था, काला हो जाना। और ये देख लो, अगर ये कप काला हो सकता है तो हमारी अंदर की जो हवा की नालियां हैं फेफड़े हैं उनकी क्या हालत होगी। ठीक है बेटा, खराब हो जाएगी। तो समझ लगी बेटा? अब आपने मेरे साथ दोहराना है आलूदगी की अकसाम कितनी है। अंसा बेटा आप बताओ, शाबाश बताओ, शाबाश, इसके लिए तालियां बजाओ। नसीब बेटा बता दो, आपने आलूदगी की अकसाम बताओ क्या होती है, दिल की बीमारियां और नहीं, ये हो गया बीमारियां तो आपको बताया, आलूदगी की किस्में कितनी है, तीन, शाबाश बोलो, जमीनी आलूदगी, फिजाई आलूदगी, फिजाई आलूदगी, जमीनी आलूदगी, शाबाश, इसके लिए तालियां बजाओ। इसकी वजह क्या हो सकती है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ फिर हम उससे बात करते हैं।
ये बेटा मेरे पास एक तस्वीर है, ये एक बच्चे ने तस्वीर बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है माशाल्लाह, ये देखें। ये नजर आ गई सबको तस्वीर? अब आप इस तस्वीर में देख सकते हो मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। अब बुनियादी तौर पर ये आलूदगी की तीन किस्में हैं, ठीक है? ये आलूदगी की कितनी किस्में हैं? तीन। तीसरी किस्म मैं आपको दिखाता हूँ। कौन कौन सी सर जी? पहले बेटा ये देखो जरा, ये तस्वीरें देखो, इस पे हम फिर बात करते हैं। गौर से देखो इन तस्वीरों को, देख लिया? ये जो हमें रंग बिरंगी चीजें नजर आ रही हैं, ये कचरे का ढेर है। इसमें मुख्तलिफ गंद है, इसमें कागज है, हमारा जो हमने कचरा घर का कूड़ा फेंका हुआ है वो सारा इसमें है। अब ये हमारे माहौल को बहुत गंदा करता है। बोतलें वगैरह भी ऐसी, बोतलें वगैरह भी हैं इसमें, प्लास्टिक की चीजें भी हैं इसमें, शीशे की चीजें भी हैं, जो शीशे के ग्लास टूट गए हैं, शावर भी हैं, हर चीज इसमें मौजूद है। ये रंग बिरंगी चीजें देख रहे हो, ये हमारा कचरा है। तो ये कचरा कौन सी आलूदगी की किस्म है? शाबाश, जमीनी आलूदगी की किस्म है। ये हमारी जमीन को गंदा करता है, ठीक है? अब दूसरी तरफ आप देख सकते हो बेटा, ये गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है? ये सड़क है, सड़क कोई गाड़ी लाहौर जा रही है, कोई इस्लामाबाद जा रही है, कोई फतोकी की तरफ जा रही है। ये अब इस गाड़ियों से पीछे क्या निकल रहा है? ये धुआं निकल रहा है। अगर आप सड़क किनारे खड़े हो गए तो आपको दो मिनट के बाद खांसी आएगी, आप अपना नाक बंद करो। वजह उसकी क्या है? ये गाड़ियों का धुआं है जो आपके सांस में जाएगा और आपको परेशानी का बाइस बनाएगा, ठीक है? ये लूदगी की कौन सी किस्म है? फिजाई लूदगी। शाबाश, फिजाई लूदगी है, ठीक है? ये फिजाई आलूदगी क्यों है? क्योंकि गाड़ियों का धुआं हमारे माहौल में शामिल हो रहा है और माहौल से हमारे सांस के जरिए हमारे अंदर शामिल हो रहा है, ठीक है? ये वजह, पहली वजह इसकी क्या थी? ये कूड़ा कीचड़ हम फेंक रहे हैं, इसमें हर चीज आ रही है, हमारी प्लास्टिक की बोतलें आ रही हैं, शापर आ रहे हैं हमारे हम जो घरों में सफाई करते हैं, जो कुछ मिलता है वो सारा बाहर फेंक देते हैं, घर साफ कर देते हैं लेकिन अपने माहौल को गंदा कर देते हैं, ठीक है? घर से सफाई करके जितना भी कचरा होगा सारा अपने दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं, घर साफ हो गया लेकिन माहौल गंदा हो गया। जब हम माहौल से आएंगे तो बीमार होकर घर आएंगे, फिर दवाइयाँ खाएंगे, ठीक है? एक ये लोजी, ये हम कारखाने फैक्ट्रियाँ हमारी लगी हुई हैं, ऐसे ही है, हमारे लिए बड़ी कीमती चीज़ें बनाती हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जर्सियाँ पहनते हैं, हम जो मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बर्तन हैं, ये सारे कहाँ पर बनते हैं? कारखानों में, फैक्ट्रियों में सारी चीज़ें तैयार होती हैं, हमारे लिए बड़ा फायदा कर रही है, लेकिन नुकसान क्या कर रही है? जो भी तैयारी के बाद इनका जो भी फालतू पानी मवाद बचेगा वो सारे का सारा माहौल को गंदा कर रहा है, हमारे पीने वाले पानी में ये शामिल कर रहा है। दरियाओं में मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ मर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और वो पानी हम पीते हैं, पीने से क्या होगा? हमारा पानी बहुत कड़वा है, नमकीन है, हम हर जगह का पानी नहीं पी सकते। अगर कहीं और से पानी पी लेंगे तो पहले क्या कहेंगे? हमारा पेट खराब हो गया, मुझे पानी वो ठीक नहीं लगा, ठीक है? तो ये क्या है? आलूदगी की वजह। मैंने आपको बता दिया कारखानों से निकलने वाला गंदा मवाद जो कहाँ पे जा रहा है? शाबाश, ठीक है, शाबाश। दरियाओं में जा रहा है, नहरों में जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है। मैं जा रहा हूँ बाजार, कोई चीज लानी है तो बता दो। बेटा वहाँ से शापर मिलते हैं, हम तो छोटे होते से बाजार से शापर शापर में डालते हैं। शापर से लुगी फैल गया हमारे सर ने तो गिन दिया कि आपके वालिद या आपकी माँ कहीं बाजार जाए तो उसे फैला दे दे, शापर में लुगी फैल गई। अच्छा बेटा, आपके सर ने बताया तो यकीनन सही बताया होगा, वो पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा समझते हैं, ठीक है बेटा? आइंदा से मैं भी ये थैले का इस्तेमाल करूंगा और लोगों को भी तकलीफ करूंगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है कि हम थैले का इस्तेमाल करें, कपड़े के बैग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ये आप देख रहे हैं शॉपर का बैग, इसका इस्तेमाल ना करें। या देख सकते हैं इसके ऊपर दरख्त भी बना हुआ है, इसका मतलब है सरसब्ज पाकिस्तान, खुशहाली की अलामत है। ये हमारे माहौल को आलूदा नहीं करेगा,
और ये हमारे माहौल को आलूदा करेगा और हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो माहौल फराहम करेगा वो उनके लिए साजगार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एंड में मेरे साथ सब बोले खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान।